हेलो एवरीवन, अभी हम लोग देख रहे हैं इंटरेक्शन ऑफ जीन और हमारा आज का टॉपिक है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है और इसको किसने दिया था? तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है, इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था निल्सन एंड एहले। ठीक है, निल्सन एंड एहले साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस टर्म जो है वो दिया है। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता क्या है? ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि मेंडल्स का लॉ ऑफ डोमिनेंस और बहुत सारा लॉज जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोग क्या देखते थे, जैसे मेंडल्स ने जो बताया था उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जैसे एक फ्लावर जो है वो पर्पल है मान लीजिए, और दूसरा फ्लावर जो है वाइट है। तो हमको F1 जनरेशन में क्या देखने को मिलता था कि सभी के सभी फ्लावर जो है पर्पल होंगे। ठीक है, सभी के सभी फ्लावर पर्पल होंगे। F2 में भी क्या देखने को मिलेगा, आइदर पर्पल और वाइट। ठीक है, राउंड सीड रिंकल्ड सीड्स में हमने क्रॉस किया तो सीड्स कैसे दिखेंगे, राउंड दिखेंगे या रिंकल्ड दिखेंगे। ठीक है, तो वहां पे हमको जो है वैरायटी ऑफ हाइट्स नहीं देखने को मिलता। लेकिन आप सोचिए ह्यूमन बींग्स के बारे में, ह्यूमन बींग्स का हाइट का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं या स्किन कलर का? तो ह्यूमन बींग्स का स्किन कलर का यदि हम एग्जाम्पल लेंगे तो सोचिए कि ह्यूमन बींग्स के स्किन कलर क्या एक ही तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं या बहुत सारे टाइप्स के होते हैं? जैसे हम लोगों का स्किन कलर कैसा होता है, तो हम लोगों का स्किन कलर जो है वेरियस टाइप्स का होता है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे बांट सकते हैं, एक होता है ब्लैक, ठीक है, जिसको निग्रोज भी बोलते हैं। ठीक है, फिर और क्या वेराइटी होता है, एक ब्लैक हो गया, एक होता है वेरी डार्क, ठीक है, एक होता है डार्क, एक होता है इंटरमीडिएट। ठीक है, एंड और क्या होता है, और होता है फेयर, फिर होता है वेरी फेयर। ठीक है, और फिर एक होता है एल्बिनो, ठीक है, जो व्हाइट पूरा व्हाइट टाइप दिखता है जिसको एल्बिनो भी बोलते हैं। ठीक है, एल्बिनो, ठीक है, इंटरमीडिएट। तो देखिए यहाँ पे कितना शेड्स देखने को मिल रहा है स्किन कलर में, हमको कितना सारा शेड्स देखने को मिलता है। एक बहुत ज्यादा फियर होता है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज में पीपल्स जो होते हैं, वहां के जो आदमी होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ये पूरा व्हाइट होते हैं, एल्बिनोज जिसको बोलते हैं। एक उससे थोड़ा कम शेड्स का होता है जो जिसको हम बोलते हैं वेरी फेयर, फिर उससे भी कम होता है फेयर, उससे कम को इंटरमीडिएट। जैसे इंडियन कलर जो है अप्रोक्सीमेटली इंटरमीडिएट होता है या फेयर होगा या डार्क होगा, मैक्सिमम पीपल्स जो है इसी रेंज में आते हैं, फेयर इंटरमीडिएट डार्क। एक होता है वेरी डार्क, ठीक है, वेरी डार्क कहाँ देखने को मिलता है, जैसे कैरेबियन, ठीक है, जो वेस्ट इंडियन होते हैं या जिम्बाब्वे होते हैं या अफ्रीका, अफ्रीकन्स में जो हमको देखने को मिलता है वो कैसा होता है, तो वो वेरी डार्क होते हैं। ठीक है, फिर निग्रोस, उससे भी ज्यादा काले जो होते हैं, उससे भी ज्यादा ब्लैक जो होता है, ठीक है, उससे भी ज्यादा जो डार्क होता है उसको हम लोग ब्लैक बोलते हैं, निग्रोज बोलते हैं, जैसे अफ्रीकन हो गया, ठीक है, वेस्ट इंडियन हो गया, ये लोग या तो वेरी डार्क होते हैं या फिर ब्लैक होंगे, निग्रोज होंगे। ठीक है, तो सोचो कि स्किन कलर में हमको कितना सारा शेड्स देखने को मिल रहा है, जबकि मेंडल्स के क्रॉस में हमको क्या देखने को मिलता था, आइदर पर्पल फ्लावर कलर का बात कर रहे हैं और व्हाइट। ठीक है, दो ही शेड देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना सारा रेंज जो है, अलग अलग टाइप जो है हमको देखने को मिल रहा है। ह्यूमन हाइट का एग्जांपल ले लीजिए, 5 feet 1, 5 feet 2, 6 feet, 5 feet 5, 5 feet 6, कितना सारा रेंज देखने को मिलता है। ठीक है, कलर में मैंने दिखाया कितना सारा रेंज देखने को मिलता है, तो क्या सोचो ये केवल दो जीन्स से कंट्रोल हो रहा होगा, वन पेयर ऑफ जीन्स से क्या ये कंट्रोल हो रहा होगा इतना सारा सेट्स? तो आंसर है नहीं। तो हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस तब होता क्या है, यहां पे एक कैरेक्टर जो है मोर देन वन जीन से कंट्रोल होता है, फॉर एग्जांपल स्किन कलर। ठीक है, स्किन कलर को कंट्रोल करने के लिए वन पेयर ऑफ जीन्स नहीं होता है, यहां पे बहुत सारे जीन्स होते हैं। जैसे स्किन कलर को कंट्रोल करने के लिए 3 पेयर ऑफ जीन्स होता है, जिसको हम नाम दे सकते हैं ए, बी और सी। ठीक है, इसी का एलीलिक फॉर्म होगा स्मॉल ए, ठीक है, स्मॉल बी और स्मॉल सी। ठीक है, तो ये जो है
ये अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट रहता है थ्री पेयर ऑफ जीन्स, और थ्री पेयर ऑफ जीन्स मिलके एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। मतलब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वैसा फेनोमेनन है जहाँ पे मोर देन वन पेयर ऑफ जीन्स एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। ठीक है, मान लीजिए ये वन पेयर हो गया, सेकंड पेयर हो गया, या थर्ड पेयर हो गया, तो थ्री पेयर ऑफ जीन्स मिलके वन कैरेक्टर और सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। सिंगल कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन्स, देन द फेनोमेनन इज कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एग्जाम्पल में स्किन कलर, ह्यूमन हाइट, ह्यूमन बॉडी हाइट, ठीक है, हेयर कलर, ह्यूमन का जो हेयर कलर होता है वो, आई कलर, आई कलर में भी बहुत सारा शेड्स देखने को मिलता है अलग अलग, तो वो भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का ही एग्जाम्पल होगा। यहाँ तक कि ह्यूमन इंटेलिजेंस इज एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है वो भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल होता है। तो मैंने बेसिकली क्या बोला कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, यहाँ पे मोर देन वन पेयर ऑफ जीन्स जो है वन कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। जैसे स्किन कलर को कंट्रोल करने के लिए एक जीन नहीं होता, थ्री पेयर ऑफ जीन्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे इतना सारा शेड्स जो स्किन कलर में प्रोड्यूस होता है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्किन कलर जो इतना वैरायटी का क्यों होता है। जैसे मान लीजिए इसमें मैंने बोला कि थ्री पेयर ऑफ जीन्स है जिसमें कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी जो है ये डोमिनेंट जीन्स है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी जो है ये रेसेसिव जीन है। तो अब कितना ज़्यादा डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है किसी इंडिविजुअल में या कितना ज़्यादा रिसेसिव जीन है, इसके ऊपर में डिपेंड करता है कि उसका स्किन कलर कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स कितना है, तो नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स जो है, ठीक है, नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स जो है वो कितना है, यहाँ पे नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन 6 है। ठीक है, मान लीजिए कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, तो नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स 5। ठीक है, ऐसे ही 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, 3 हो सकता है, कोई भी कैपिटल हो सकता है, कोई भी मतलब कोई भी जीन जो है डोमिनेंट हो सकता है, उसमें कोई ये नहीं है। नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स कितना है ये मैं देख रहा हूँ, 2 डोमिनेंट जीन, 1 डोमिनेंट जीन, और 0 भी हो सकता है, 0 डोमिनेंट जीन, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स कितना है, तो 0 है। तो देखिए जिसमें नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन जितना ज्यादा होता है उसका बॉडी कलर, ठीक है, उसका स्किन कलर उतना ज्यादा डार्क होता है, मतलब ब्लैक होगा। 6 डोमिनेंट जीन में स्किन कलर कैसा होता है, स्किन कलर ब्लैक होता है, जिसको निग्रोज भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको निग्रोज भी बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन मैक्सिमम होता है उस टाइम पे मैक्सिमम मेलानिन प्रोड्यूस होता है। हम लोग जानते हैं ना स्किन कलर डार्क होने के लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, मेलानिन होता है। जिसमें नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन जितना ज़्यादा होगा उसमें उतना ज़्यादा अमाउंट में मेलानिन का प्रोडक्शन होता है, जिस कारण उसका स्किन कलर जो है उतना ज़्यादा डार्क होता है। फॉर एग्जाम्पल जिसमें 0 डोमिनेंट जीन उसका स्किन कलर कैसा होगा, उसका स्किन कलर होगा वाइट और एल्बिनो। ठीक है, उसका स्किन कलर कैसा होगा, उसका स्किन कलर एल्बिनो होगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस कंडीशन में नो मेलानिन विल बी प्रोड्यूस्ड, नो मेलानिन। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, मेलानिन प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, नो मेलानिन मैंने लिखा है, इस कंडीशन में क्या होगा, मेलानिन का प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद थ्री डोमिनेंट जीन, थ्री डोमिनेंट जीन रहने पे क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा, मेलानिन का प्रोडक्शन कैसा होगा, इंटरमीडिएट होगा, तो कलर भी कैसा होगा, इंटरमीडिएट होगा। ठीक है, तो थ्री डोमिनेंट जीन में इंटरमीडिएट कलर, टू डोमिनेंट जीन में फेयर होता है, ठीक है, इंटरमीडिएट से थोड़ा ज्यादा फेयर। ठीक है, उसके बाद वन डोमिनेंट जीन में वेरी फेयर। ठीक है, वन डोमिनेंट जीन में क्या होगा, वेरी फेयर। फिर उसके बाद यदि हम फोर डोमिनेंट जीन में जा रहे हैं, फोर डोमिनेंट जीन में क्या होता है, डार्क। फाइव डोमिनेंट में वेरी डार्क। ठीक है, फाइव डोमिनेंट क्या होगा, वेरी डार्क। ठीक है, तो देखिए इतना सारा सेट्स हमको क्यों देखने को मिल रहा है, कि नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स पे डिपेंड करता है कि स्किन का कलर कैसा होगा। 0 डोमिनेंट एल्बिनो, पूरा व्हाइट होगा। 5 डोमिनेंट
सॉरी वन डोमिनेंट वेरी फेयर, टू डोमिनेंट फेयर, ठीक है, धीरे धीरे कम होते जा रहा है स्किन कलर जो, धीरे धीरे डार्क होते जा रहा है, थ्री डोमिनेंट इंटरमीडिएट, फोर डोमिनेंट डार्क, फाइव डोमिनेंट वेरी डार्क, ठीक है, सिक्स डोमिनेंट में ब्लैक और निग्रोस जो है वो प्रोड्यूस्ड होता है। तो यहाँ पे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या हम समझ रहे हैं, कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वो फेनोमेनन है जहाँ पे मोर देन वन जीन जो है सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। जैसे स्किन कलर बोल दिया, स्किन कलर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे सिक्स एलील्स देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, सिक्स एलील्स मिलके वन कैरेक्टर को, सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। अब जब इतना सारा जीन्स मिलके एक कैरेक्टर को प्रोड्यूस करेगा, तो जाहिर सा बात है ये भी हम बोल सकते हैं इस एंगल से देखे तो, कि इतना सारा जीन्स जब एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है तो क्या देखने को मिलेगा हमको, कि अलग अलग सेट्स जो है वहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि जैसे मेंडल्स लॉस था तो हम लोग देखे थे व्हाइट फ्लावर और पर्पल फ्लावर, तो वहाँ पे वैसा क्यों देखने को मिल रहा था, क्योंकि वहाँ पे वन जीन जो है वो कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा जीन्स है जो एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस वाला चीज़ तो यहाँ पे भी दिख रहा है, डोमिनेंट और रिसेसिव जीन, लेकिन यहाँ पे जीन्स का नंबर बहुत ज़्यादा है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे इसको क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज ऑल्सो नोन एज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, ठीक है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज ऑल्सो नोन एज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, दिस इज ऑल्सो नोन एज इंटरेक्शन ऑफ जीन्स। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, इंटरेक्शन ऑफ जीन्स भी बोलते हैं, ठीक है, इंटरेक्शन ऑफ जीन्स, ठीक है, तो ये दो नाम याद रखिएगा, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस और इंटरेक्शन ऑफ जीन्स, ठीक है। इसके बाद ये सब जो बचा हुआ है आप खुद से भर सकते हो, फोर डोमिनेंट का क्या होगा, कुछ भी भर लीजिए, कोई भी चार डोमिनेंट रख सकते हो, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल सी स्मॉल सी, आप चाहे तो स्मॉल सी को भी डोमिनेंट रख सकते हो, ऐसे यहाँ पे भी वन डोमिनेंट टू डोमिनेंट अपने से भर लेना, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी सॉरी सॉरी टू डोमिनेंट है तो कोई भी रख दीजिए, स्मॉल बी ठीक है, एक कैपिटल सी ले लिए एक स्मॉल सी ले लिए तो टू डोमिनेंट हो गया, वैसे यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी कुछ भी ले सकते हो, कोई भी वन डोमिनेंट जो है आप ले सकते हो, तो ये जो है आपका क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल जो है मैंने पहले ही बोला था, इसका एग्जाम्पल्स हो जाएगा एक स्किन कलर, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा ह्यूमन हाइट, ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल आई कलर, हेयर कलर और ह्यूमन इंटेलिजेंस, ठीक है, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक, तो मैंने दे हम लोगों ने देख लिया कि कैसे इतना सारा सेट्स जो है स्किन कलर का, इतना सारा सेट्स जो है हमको देखने को मिलता है, ठीक है, ये देखिए स्क्रीन पर, ठीक है, कितने सारे आपको सेट्स देखने को मिल रहा है, निग्रोज है जो सबसे ब्लैक दिख रहा है आपको वो निग्रोज है, फिर इंटरमीडिएट कलर है, फिर आपका वाइट कलर है, ठीक है, एक एक करके डिफरेंट सेट्स जो है हमको देखने को मिल रहा है, और ये क्यों हो रहा है, नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन के ऊपर में डिपेंड करता है कि स्किन का कलर कैसा होगा, सिक्स डोमिनेंट डार्क ब्लैक निग्रोस, ठीक है, उसके बाद फाइव डोमिनेंट वेरी डार्क, थ्री फोर डोमिनेंट डार्क, थ्री डोमिनेंट इंटरमीडिएट, टू डोमिनेंट पे कलर कैसा है, इंटरमीडिएट से थोड़ा ज़्यादा फेयर है जिसको फेयर बोलते हैं, वन डोमिनेंट वेरी फेयर और जीरो डोमिनेंट में नो मिलानिन विल बी प्रोड्यूस्ड, दैट्स वाई द कलर विल बी वेरी व्हाइट बोल सकते हैं या जिसको एल्बिनोस बोलते हैं, ठीक है। अब ह्यूमन हाइट का एग्जांपल ले लीजिए, तो ह्यूमन हाइट क्या आपको एक टाइप का देखने को मिलता है, नहीं, 5 फीट 1 हो गया, 5 फीट 2, 5 फीट 3, 5 फीट 4, 5 फीट 5, ठीक है, ऐसा बहुत सारा डिफरेंट रेंज जो हमको देखने को मिलता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, ये यहाँ पे जो कैरेक्टर्स होते हैं इसमें हमको बहुत सारा डिफरेंट रेंज देखने को मिलता है, इतना सारा रेंज हो गया, नॉर्मली फीमेल का हाइट जो है इस रेंज में रहता है, एक इंडियन फीमेल का हाइट जो है इस रेंज में रहता है, ठीक है, तो जिसमें मैक्सिमम हाइट जो है आपको 5 फीट 1, 2, 3 इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है, फिर मेल का हाइट ले लीजिए 5 फीट 5 से लेके 5 फीट 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6 फीट तक देखने को मिलता है, उससे ज़्यादा भी देखने को मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम हाइट कहाँ पे देखने को मिलेगा, मैक्सिमम हाइट आपको देखने को मिलेगा मेल का 5 फीट 7, 5 फीट 8, 5 फीट 6 इंचेस, ये हाइट जो है
मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स का हाइट जो होता है इंडिया में वो 5 फीट 6, 5 फीट 7, 5 फीट 8, इसी के बीच में रहता है। ठीक है, तो इतना सारा वेरिएशन जो है हमको हाइट में भी देखने को मिलता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ जीन्स जो है, ठीक है, वो ज्यादा है, वन नहीं है। वन जीन पेयर जो है ह्यूमन हाइट को कंट्रोल नहीं करता। यहाँ पे बहुत सारा जीन पेयर जो है वो मिलकर एक कैरेक्टर को, मतलब ह्यूमन हाइट को कंट्रोल कर रहा है, जिसके कारण से हमको बहुत सारा वैरायटी जो है हाइट के अंदर में देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए हमको सिर्फ यहाँ पे पी प्लांट जैसा टॉल और डॉर्फ नहीं देखने को मिलेगा। जैसे मेंडल को पी प्लांट में क्या मिलता था, आइदर प्लांट टॉल होते थे या डॉर्फ होते थे। टॉल डॉर्फ का मतलब एक प्लांट 20 सेंटीमीटर का, दूसरे प्लांट जो है 5 सेंटीमीटर का। तो हम यदि क्रॉस करवाते हैं तो F1 में हमको प्लांट सभी के सभी 20 सेंटीमीटर के मिलेंगे। ऐसा नहीं, कम ज़्यादा नहीं होता, वहाँ ब्लेंडिंग नहीं होता है। ठीक है, 20 और 5 में क्रॉस कराएं तो सभी प्लांट टॉल दिखेगा। टॉल कैसा? सबका सब 20 सेंटीमीटर दिखेगा। 1-2 सेंटीमीटर छोटा बड़ा हो सकता है। F2 में 3 प्लांट 20 सेंटीमीटर दिखेगा और एक प्लांट जो है 5 सेंटीमीटर का दिखेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे बहुत लंबा रेंज देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ टॉल या डॉर्फ नहीं होगा, यहाँ पे हमको एक रेंज देखने को मिलता है। और स्क्रीन पे देख लीजिए, ठीक है, ये देखिए आप डायग्राम देख रहे हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको टॉल दिख रहा है, फिर डॉर्फ दिख रहा है, फिर इंटरमीडिएट दिख रहा है, फिर टॉल्स दिख रहा है। ठीक है, उसमें भी अलग अलग हाइट्स के हैं सब। ठीक है, 5 फीट 1, 5 फीट 5, 6, 7। ठीक है, तो जो इंटरमीडिएट हाइट है 5 फीट 6, 7, 8, ये आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। उसके बाद 5 फीट 9, 10, ठीक है, 6 फीट जो है सबसे कम देखने को मिल रहा है। तो आपको कैसा ग्राफ देखने को मिल रहा है? ठीक है, एक बेल शेप्ड का ग्राफ देखने को मिल रहा है। देखिए इस टाइप का कुछ ग्राफ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बहुत सारा रेंज जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमको कंटिन्यूअस वेरिएशन देखने को मिल रहा है, कंटिन्यूअसली वेरिएशन है। 5 फीट 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5 फीट 6, 6 फीट, ठीक है, 5 फीट 2, ऐसे करके हमको कंटिन्यूअसली वेरिएशन देखने को मिल रहा है। इसीलिए इसको कंटिन्यूअस वेरिएशन भी बोला जाता है। देखिए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का बहुत सारा टर्म्स है, थोड़ा सा याद रखिए। क्या क्या बोला मैंने? कंटिन्यूअसली वेरिएशन देखने को मिल रहा है, ठीक है, बहुत कम हाइट, फिर इंटरमीडिएट बहुत ज़्यादा। इसका नाम क्या क्या है तो देख लीजिए थोड़ा सा। पहला मैंने बोला इनहेरिटेंस ऑफ क्वांटिटेटिव कैरेक्टर, या क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इंटरैक्शन ऑफ जीन्स भी बोलते हैं इसको, इंटरैक्शन ऑफ जीन्स। दूसरा क्या बोला? दूसरा मैंने बोल दिया, ठीक है, कि क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तीसरा है कंटिन्यूअस वेरिएशन बोलते हैं। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स के ऊपर में, जैसे स्किन कलर डिपेंड करता था, ये ह्यूमन हाइट डिपेंड करता था, कितना ज्यादा डोमिनेंट जीन है, तो जीन्स के क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि कैरेक्टर्स कैसा दिखेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएशन भी बोला जाता है, मल्टीपल फैक्टर इफेक्ट भी बोलते हैं, मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस। ठीक है, और ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी बोला जाता है। तो ये सब नाम याद रखिएगा। अब सबसे पहले कौन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में बताया था, तो मैंने पहले ही बोला है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में सबसे पहले बताया था निल्सन और एहले ने। ठीक है, उन्होंने वीट के ऊपर में एक्सपेरिमेंट किया था। वीट का जो कर्नल होता है, वीट का जो ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर में एक्सपेरिमेंट किया था। तो वहां पे क्या देखा उन्होंने, रेड कर्नल, ठीक है, रेड ग्रेन्स और व्हाइट ग्रेन्स को लेकर जब क्रॉस कराया तो क्या देखने को मिला उनको, ठीक है, तो नेक्स्ट जनरेशन में उनको रेड और व्हाइट सिर्फ नहीं देखने को मिला, वहां पे क्या देखने को मिला, कुछ रेड थे, कुछ व्हाइट थे, कुछ पिंक थे, कुछ डार्क पिंक थे, कुछ लाइट पिंक थे, तो बहुत सारा शेड्स उनको देखने को मिला। तो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का डिस्कवरी निल्सन और एहले ने किया था 1908 में। ठीक है, किस पे किया था? तो याद रखिएगा व्हीट के कर्नल में या व्हीट ग्रेन्स के ऊपर में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवरी हुआ था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। अब हम लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, जो मैक्सिमम आदमी के दिमाग में आता होगा, कि मान लीजिए कि दोनों पेरेंट्स जो है फेयर है, ठीक है, तो जो ऑफस्प्रिंग से जो चाइल्ड होगा वो डार्क कैसे हो जाता है, या दोनों पेरेंट टॉल है तो वो चाइल्ड डॉर्फ कैसे हो जाता है, या दोनों पेरेंट डॉर्फ तो ऑफस्प्रिंग जो है वो टॉल कैसे हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखो
तो जैसे मान लीजिए कि मैंने दो पेरेंट्स लिए हैं, मेल और फीमेल, ठीक है, और दोनों का स्किन कलर कैसा है, तो दोनों का स्किन कलर जो है वो फेयर है, ठीक है, दोनों ही जो है वो फेयर है, ठीक है। तो फेयर का मतलब क्या होता है, फेयर का मतलब होता है टू डोमिनेंट, याद होगा सबको कि फेयर का मतलब होता है टू डोमिनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ले लीजिए इसका जीनोटाइप क्या होगा, मान लीजिए कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी सॉरी स्मॉल सी और स्मॉल सी, ठीक है। सेम यहाँ भी होगा, सेम यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, कुछ भी ले सकते हैं, ऐसे कोई भी दो डोमिनेंट जीन ले सकते हैं, और क्रॉस करने की सुविधा के लिए मैंने सेम सेम लिया, ठीक है। चलो तो दोनों फेयर है, फेयर का मतलब समझो आप, ठीक है। फेयर का मतलब क्या होता है कि जिसमें नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स टू होता है, वन डोमिनेंट वेरी फेयर, जीरो डोमिनेंट एल्बिनो वाइट, ठीक है। थ्री डोमिनेंट में इंटरमीडिएट होता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स इंक्रीज करेगा, फोर डोमिनेंट फाइव डोमिनेंट डार्क वेरी डार्क, ठीक है, वैसे वैसे डार्कनेस भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो सिक्स डोमिनेंट पे मैक्सिमम डार्क होता है, निग्रोज होता है, ठीक है। थ्री डोमिनेंट पे इंटरमीडिएट और जीरो डोमिनेंट पे पूरा एल्बिनो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गैमेट्स क्या बनेंगे, दोनों फेयर हैं तो दो डोमिनेंट मैंने लिया, तो गैमेट्स क्या बनेगा, एक पॉसिबिलिटी है कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, दूसरा पॉसिबिलिटी है कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ठीक है, यहाँ कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, तीसरा पॉसिबिलिटी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, चौथा पॉसिबिलिटी क्या है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये पॉसिबिलिटीज है। सेम उधर भी वही देखने को मिलेगा, ठीक है, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी स्मॉल ए सॉरी कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज जो हमको देखने को मिला। अब नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स काउंट करते हैं हम लोग गैमेट में, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन कितना है, टू डोमिनेंट है, ठीक है, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, ठीक है, टू डोमिनेंट है, यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ठीक है, वन डोमिनेंट, ठीक है, टू डोमिनेंट वन डोमिनेंट, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल बी एक है सिर्फ वन डोमिनेंट, यहाँ जीरो डोमिनेंट, यहाँ भी जीरो डोमिनेंट, यहाँ वन डोमिनेंट, ठीक है। तो अब देखो अलग अलग टाइप का गैमेट्स जब अलग अलग टाइप के फीमेल गैमेट्स को फर्टिलाइज करेगा तो तुमको नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स क्या है अलग अलग देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल टू डोमिनेंट वन डोमिनेंट को फर्टिलाइज किया तो क्या देखने को मिलेगा, थ्री डोमिनेंट, वन डोमिनेंट टू डोमिनेंट को फर्टिलाइज किया तो थ्री डोमिनेंट, ठीक है, वन वन को फर्टिलाइज किया तो टू डोमिनेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम टू डोमिनेंट वाला गैमेट जो इसको फर्टिलाइज कर रहा है कैपिटल ए, तो कॉम्बिनेशन हमको क्या देखने को मिलेगा, देखो कैपिटल ए यहाँ पे भी कैपिटल है, यहाँ पे भी कैपिटल है, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी ठीक है कैपिटल बी स्मॉल सी ठीक है। तो ये एक टाइप का जीनोटाइप पॉसिबल हो सकता है चाइल्ड के अंदर, ठीक है। इस कंडीशन में चाइल्ड कैसा दिखेगा, इस कंडीशन में जो चाइल्ड होगा वो फोर डोमिनेंट मतलब डार्क दिखेगा, ठीक है। थ्री डोमिनेंट वाला कोई पॉसिबिलिटी ले लो, वहां पे ऑफ स्प्रिंग्स कैसा दिखेगा, वहां पे ऑफ स्प्रिंग्स जो है इस कॉम्बिनेशन में कैसा दिखेगा, थ्री डोमिनेंट के मतलब इंटरमीडिएट कलर होगा, ठीक है। जीरो डोमिनेंट वन डोमिनेंट को फर्टिलाइज कर रहा है तो कैसा देखने को मिलेगा, उस कंडीशन में वन डोमिनेंट होगा मतलब ऑफ स्प्रिंग्स जो होंगे पेरेंट्स से भी फेयर होंगे, वेरी फेयर होंगे, ठीक है। तो क्या पॉसिबिलिटी है आपको, क्या टू डोमिनेंट्स वाले दो पेरेंट्स में सिर्फ आपको चाइल्ड जो है टू डोमिनेंट देखने को मिलेगा, तो आंसर है नहीं, ठीक है। टू डोमिनेंट भी दिख सकता है, वन डोमिनेंट भी दिख सकता है, थ्री डोमिनेंट भी दिख सकता है, ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी पर क्या है, टू डोमिनेंट देन थ्री डोमिनेंट एंड वन डोमिनेंट, फोर डोमिनेंट जो मैंने बोला वो पॉसिबिलिटी कम हो जाएगा यहाँ पे, और जीरो डोमिनेंट का पॉसिबिलिटी कम हो जाएगा। तो जो इंडियन कलर होता है वो क्या होता है, आइदर फेयर होता है या इंटरमीडिएट होता है। तो इन पेरेंट्स के जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो कैसे होंगे, फेयर होंगे, इंटरमीडिएट होंगे या डार्क होंगे, ठीक है। इसी के कारण आपको जीरो डोमिनेंट मतलब निग्रोज जो है सॉरी एल्बिनोज जो है और फाइव सिक्स डोमिनेंट मतलब निग्रोज और वेरी डार्क जो है इंडिया में कम देखने को मिलता है, क्योंकि हमारा जीन्स जो है इसी टाइप का है, ठीक है, इंटरमीडिएट के ही अप्रोक्स है। तो जो हमारे चाइल्ड होते हैं वो थोड़ा सा वैरी तो करते हैं लेकिन बहुत कम ही आपको वेरी फेयर या वेरी डार्क देखने को मिलता है, ठीक है। ज्यादातर जो है आपको इंटरमीडिएट फेयर डार्क वेरी फेयर, ठीक है, तो ज्यादातर यही देखने को मिलता है, ठीक है। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हो गया एंड, और लास्ट लाइन ये जो
ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, मतलब यहाँ मल्टीपल जीन्स वन कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, तो जीन्स का कंट्रीब्यूशन तो रहता ही है, जीन्स ही कंट्रोल करता है मेनली। इन्वायरमेंट का भी थोड़ा सा अफेक्ट जो है यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि आपका हाइट यदि ठीक है, आप में जीन्स यदि इंटरमीडिएट या डार्क कलर के हैं तो आप वेरी फेयर हो जाएंगे, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। जिसका जीन्स जैसा है, मतलब इंडियन पीपल्स जो है नॉर्मली नॉर्मली बोल रहे हैं हम कि 6 फीट 6.5 फीट नहीं होते हैं ठीक है, क्योंकि हमारा जीन्स वैसा है। लेकिन इसके ऊपर इन्वायरमेंट का भी कुछ असर पड़ता है। इन्वायरमेंट मतलब यदि मेरा जीन्स टॉल होने के लिए है और वो जो है एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है अपने आप को ठीक है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है ठीक से, तो उतना प्रॉपर हाइट नहीं आएगा। तो इसीलिए जो है एक्सरसाइज ठीक है, अपना फिटनेस, इसका भी थोड़ा बहुत रोल रहता है, इन्वायरमेंट का भी थोड़ा बहुत रोल रहता है जींस के एक्सप्रेशन में, जींस को एक्सप्रेस होने में जो इन्वायरमेंट है आपका डेली लाइफ है वो भी इसको अफेक्ट करता है ठीक है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आपके अंदर जीन्स प्रेजेंट है पर वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, किसी मान लीजिए किसी डिजीज का ही कि जीन्स जो है आपके बॉडी में है लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है ठीक है, या हाइट का जीन्स है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है ठीक है, डार्कनेस का जीन्स है लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा भी कभी कभी होता है। तो इन्वायरमेंट का भी अफेक्ट जो है इसके ऊपर पड़ता है।